हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज जो है एक्चुअली मैंने बोटैनिकल गार्डन जाने के लिए प्लान किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो मेरे इस लोकेशन से। लेकिन क्या है कि जो है मुझे काफ़ी मतलब निकलने में काफ़ी लेट हो गया, तो मैंने सोचा कि कुछ और कहीं और चलते हैं। तो फिर मैंने नेट पर देखा तो कुछ नहीं मिला, लिटरली कुछ भी नहीं मिला घूमने लायक। तो ऐसे ही मुझे किसी ने बताया कि एक्वेटिक किंगडम करके एक हॉल है, बड़ा सा हॉल है, जो कि यहाँ से मतलब मेट्रो से जाके कुछ एक दो या तीन स्टेशन की बात आता है, तो ज़्यादा दूर नहीं। तो मैं सोचा कि चलो यहीं चलते हैं, देख के आएंगे एक बार। एक्वेटिक चीज़ें तो यार मतलब बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है हमें रियल में, तो सोचा कि चलो एक बार देख ले। तो मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ और अभी मैं यहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा, फिर वहाँ से दो तीन स्टेशन के बाद मैं पहुंचूंगा। तो आप लोगों को भी मैं दिखाता हूं, स्टे ट्यून्ड। चलो भाई घुसते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ से एग्ज़िट करके जा रहा हूँ। अभी मैंने किसी से पूछा कि एक्वेटिक किंगडम कहाँ पड़ता है, तो उसने बोला कि मुझे यहाँ से KSR रेलवे स्टेशन जाना होगा, जो कि बिल्कुल इसके जस्ट बाहर है, और वहाँ से 5 प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करते हुए जो है 5th प्लेटफॉर्म के बाहर जो है वो हॉल है, तो वहाँ तक मुझे पैदल जाना होगा। तो अभी मुझे और 5 to 7 मिनट्स वॉक करना होगा, तब जाके मैं पहुंचूंगा वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, तो काफ़ी चलना पड़ा यार, मुझे लगा शायद 5-6 मिनट से ही चलना होगा। तो अभी देखते हैं, अभी आई थिंक मैं बहुत क्लोज आ गया हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया, अभी अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। वाओ, दिस क्रिएचर्स लुक्स अमेजिंग।
और इनका नाम भी यहाँ पे दिया है सिल्वर डॉलर, सिल्वर शार्क। अभी जो हमने देखा जो छोटा सा जो है वो सिल्वर शार्क है, और ये जो ये मोटा वाला जो है सिल्वर डॉलर। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अभी शायद हो सकता है कैमरे में उतना ना दिख रहा हो आपको, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखोगे ना तो दे लुक जस्ट अमेजिंग। और गाइस इसको देख लो, एक पल के लिए तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि ये एक बेबी क्रोकोडाइल है, लेकिन बाद में ध्यान से देखा तो हाँ ये क्रोकोडाइल नहीं है, ये कुछ और है। और आप इसका फ्रंट पोर्शन देख लो, एकदम इसका माउथ वाला पोर्शन देख लो, एकदम बेबी क्रोकोडाइल जैसा लगा मुझे। लेकिन इसका कोई नाम वगैरह मैंशन नहीं किया है, बट दिस इज जस्ट एन अमेजिंग क्रिएचर यार, आई एम सीइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसके ऊपर भी एक बैठा है देखिए, और यहाँ पे भी एक है। तो ये इन स्पेसीज का नाम है शॉर्ट टेल फिश, टेंजराइन लॉबस्टर, रेड टाइगर बाप। तो देखिए गाइस कितना अमेजिंग लग रहा है। हो सकता है कैमरे पे शायद उतना क्लियरिटी के साथ आप लोगों को ना दिख रहा हो, लेकिन आप रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मतलब आप लोगों की आंखें जो है खुली की खुली रह जाएगी। मतलब कहने का मतलब है इतना खूबसूरत है ये क्रिएचर्स जो है। और ये देखिए मैंने फर्स्ट टाइम जो है किसी ब्लैक फिश को देखा, और वो भी इतना सुंदर ब्लैक फिश, ब्लैक कलर में भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। बहुत इसका नाम शायद नीचे दिया हुआ, काफी अमेजिंग क्रिएचर यार देखिए। और यहाँ पे भी दूसरे स्पीसीज का है, और ये भी ब्लैक फिश जैसा है लेकिन अलग कलर का है, ब्लैक और येलो, ये ग्रीन, पता नहीं क्या क्या मिक्स। यहाँ पे इनका नाम दिया है देखिए, विनस टेट्रा टाइगर बाप, एंजल मिक्स वैरायटी स्नेल्स। एंजल मिक्स वैरायटी वाला है अभी जो ब्लैक वाला था ना, ब्लैक एंजल। बहुत ही बढ़िया यार, कमाल का ये जो है एक्वेरियम है, कमाल का इन्होंने मेंटेनेंस किया है, और कमाल का जो है अरेंजमेंट्स जो है काफी कमाल के हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इसमें एंट्री फीस जो है सिर्फ 25 रुपीस है, सिर्फ 25 रुपीस।
तो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आप लोगों को जो है ये एक्वेटिक किंगडम काफ़ी पसंद आ रहा है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा तो मेरा वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने जो है कुछ कुछ खास खास अच्छी अच्छी चीज़ें जो है सेलेक्ट करके जो है वीडियो में दिखाया है। और लास्ट में मैंने सोचा कि ये टनल जो है आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। देखिए कितना बढ़िया टनल है, इसको देख के बिल्कुल मतलब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कुछ टाइम के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ से एग्ज़िट करके जा रहा हूँ बाहर।